पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रात के अंधेरे में चल रहे खनन के डंपरों ने कॉलोनी के लगभग 500 परिवारों की नींद उड़ा दी है। रात में गरजती जेसीबी और कॉलोनी की सड़कों पर दौड़ते डंपरों ने अपना खौफ लोगों के दिलों में बैठा दिया है। परेशान कॉलोनी के निवासियों का आज सब्र का बांध टूट गया और कॉलोनी में हो रहे निर्माण का कार्य का विरोध कर कार्य को रुकवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के गौर ग्रेसियस का, जहां पर आजकल शहर के प्रसिद्ध निर्यातक सीएल गुप्ता ग्रुप के द्वारा एक स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूल के निर्माण में यहां पर जेसीबी चलकर गरजते डंपरों से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लगभग 500 परिवारों का जीना मुहाल हो गया है और सड़कें टूटने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। दरअसल मुरादाबाद की गौर ग्रेसियस कॉलोनी के नक्शे में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा स्कूल के लिए जगह सुरक्षित की गई थी। उसके लिए स्कूल भूमि से सटे रास्ते की भी व्यवस्था प्रस्तावित प्लान के अनुसार की गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने द्वारा पास किए गए नक्शे के अनुसार कार्य पूरा न करने के बाद भी गौर ग्रेसियस ग्रुप को कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दे दिया, जिसके बाद गौर ग्रेसियस ग्रुप स्कूल की भूमि को लगातार बेचने का प्रयास करता रहा। लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा पास किए गए नक्शे के अनुसार उस गेट का ना खुलना स्कूल बनाने में बाधा उत्पन्न करता रहा। शहर के जाने माने उद्योगपति सीएल गुप्ता ग्रुप के द्वारा उस जमीन को खरीदा गया और कॉलोनी वासियों के रास्ते को जबरन इस्तेमाल कर स्कूल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ निवास करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपति के द्वारा लगातार कॉलोनी वासियों पर दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही डराने धमकाने का भी क्षेत्र वासियों ने आरोप लगाया है। कॉलोनी के निवासियों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात रखी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। कॉलोनी वासियों में सीएल गुप्ता ग्रुप के द्वारा लगातार दबाव बनाने की वजह से भय का माहौल है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस कॉलोनी में लगभग 500 परिवार रहते हैं और घरों के आगे बड़े बड़े डंपर चलाकर मिट्टी उठाई जा रही है। मैं डॉक्टर गुलजारी सिंह, सचिव GGWAS। किस तरीके की परेशानियां यहां पे आ रही हैं? हमारी परेशानी मेन ये है कि इस स्कूल के लिए ये रास्ता दिया हुआ है जो इसके बराबर में लगा हुआ है, ये बिना खोले निर्माण कार्य शुरू हो गया। हम कई बार अनुनय विनय किया हमने प्रशासन से भी, इनके जो मालिक हैं सीएल गुप्ता उनसे भी, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये रास्ता खुलेगा। डीएम साहब से भी हम कई बार मिल चुके हैं, सभी से मिले, डीएम साहब ने भी हमको आश्वासन दिया, कमिश्नर साहब ने भी ये कहा कि भाई ये इसके लिए जो आ रहे हैं हमारी सारी सड़क टूट रही है। हमारा कहना ये है कि ये गेट खोला जाए और गेट खोल करके इस स्कूल के लिए रास्ता दिया जाए, हमारी ये मांग है। हमारी रोड जो है ये टूट रही है। यहाँ डंपर कब से चल रहे हैं? ये 19 तारीख से डंपर चल रहे हैं। क्या किसी 19 तारीख प्रशासन ने यहाँ के जो थाना इंचार्ज ये हैं, चौकी इंचार्ज, उन्होंने आकर के ये डंपर खुलवाए थे, इनके लिए रास्ता खोलो, और मेरे लिए काफ़ी उन्होंने धमकाया भी था। हम तीन लोग थे वहाँ रोकने के लिए, हमने कहा कि भाई जब गेट खुला नहीं है, दूसरा रास्ता आपने लिया नहीं तो क्यों खोल रहे हैं, ये पूरा उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना और हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके ये रास्ता, हमारी सिक्योरिटी भी हटवा दी गई। किन की शहपरस्ती से चल रहा है ये खनन? और दिवाली वाले दिन यहाँ गाड़ी चोरी हो गई है, यहीं आते हैं लोग बाहर चोरी करके ले आते हैं सामान, हमारे भाई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, परेशान करते हैं। और गौर संस ने ये वाला गेट दिखा के, सेकंड गेट दिखा के उसको सीएल गुप्ता को ये खोला गया, आप अपना रास्ता यहाँ से खोलिएगा, अब वो रास्ता ला रहा उधर से। ये तानाशाही है, परेशानी है यहाँ पे सबको, हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इनके डंपरों से हमारे बच्चे खेलते हैं, कोई कैजुअल्टी हो जाएगी तो COCT जो है इसका जिम्मेदार होगा पक्का, उसके खिलाफ केस करेंगे, जूते मारेंगे उसको हम। क्या नाम है आपका? मैम अलका शर्मा, और मैं यहाँ पर गौर ग्रेशियस मुरादाबाद कॉलोनी में रहने वाली हूँ। और यहाँ पर जो सीएल गुप्ता का स्कूल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए हम लोगों का बस यही ऑपोजिशन है कि जो भी वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं, या जब से भी स्कूल चालू हो रहा है, ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये गेट उन लोगों के लिए प्रपोज्ड है, उनके नक्शे में भी और हमारे नक्शे में भी। जब हम लोगों ने गेट खरीदी थी कॉलोनी में ज़मीन, तो तब हम लोग को यही बताया गया था कि ये गेट स्कूल के लिए ओपन कर दिया जाएगा।
अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, एमडीए भी इसमें लिप्त है और प्रशासन भी हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। रात में काम करवा रहे हैं लोग, रात के 11 से सुबह के 5 बजे तक लगातार डंपर चल रहे हैं। 19 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है, एक्सटेंड करवाए जा रहे हैं, पहले 23 तारीख तक था, फिर 26 तक, अब शायद 30 तक इन्होंने अपना रात का काम एक्सटेंड करवा लिया है। लोग सो नहीं पा रहे हैं, सड़कें खराब हो गई हैं और अंदर दरार तक आ गई है भैया, तो इसलिए। और इन लोगों का मैंने हर रोज अपोजिशन किया है, मैंने वीडियो भी बनाया है 19 तारीख को, यहाँ पर चारपाई डालकर लेबर क्लास के लोग, तो सेफ्टी आप सोचिए कि इस कॉलोनी की क्या सेफ्टी है। 15 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं जिसमें से सारे मोमडन है मुस्लिम, जो डंपर लाता है, जो चढ़ाता है, कारें दो दो खड़ी रहती हैं यहाँ पर, लोगों को अपनी कारें हटा हटा के खड़ी करनी पड़ रही हैं ताकि कारों में कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो लोग जब आते हैं तो उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो क्या कर रहे हैं। रात में बेल डेली का है, दिवाली वाली रात को भी 1:30 बजे से उन्होंने रात में काम शुरू करा है और सुबह के 5:30 बजे तक डंपर चले हैं। हम ये कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं अगर इस शर्त पे वो कर रहे हैं कि इस रास्ते से करेंगे, सोसाइटी के रास्ते से कोई आना जाना नहीं है। उनका ये रास्ता है कि रास्ता खुलवाएं और रास्ता के जो मर्जी है बनाइए, हमें चैन से रहने दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर, क्योंकि साथ डंपर को अंदर तक अगुवाई करते हुए आती है पुलिस, पुलिस के पास हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने मीडिया का सहारा लिया, देख के चली जाती है पुलिस और प्रशासन, कोई नहीं सुन रहा है, प्रशासन में तो कोई नहीं सुन रहा है। एमडीए से हमारी गुजारिश है, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, कमिश्नर साहब से, जो भी प्रशासन के अधना अधिकारी हैं हमारी उनसे गुजारिश है, कृपया ये प्रपोज रोड को अक्वायर कीजिए, उनको खोलिए दरवाजा 40 फीट हमारे नक्शे में दिखाई, हम नक्शा प्रोवाइड करते हैं, हमें भी तो जीने का अधिकार है और हम स्कूल के खिलाफ नहीं है, हम गेट के अंदर से जाने के खिलाफ है। मैं तो 25-30 साल हो गए दवाइयां खाते हुए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा। मैम क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है इधर पीछे आपके मकान की परेशानी आ रही है? परेशानी 11-11 डंपर आते हैं रात को और जाते हैं, आवाज पूरा मकान हिलता है जो डंपरों से, और कितनी अनसेफ है भाई, कंडक्टर ड्राइवर है बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है, जैसा उनका रोजगार है वैसा वहाँ हो रहा है, लेकिन अनसेफ कॉलोनी और एक सेकंड हम नहीं सो पाते, 4-5 दिन हो गए। ये डंपर क्यों चलाए जा रहे हैं? जो ले जा रहे हैं खनन हो रहा है, मट्टी ले जा रहे हैं, मट्टी तो यहाँ क्या बनाया जा रहा है? स्कूल बनना है, सीएल गुप्ता अपना स्कूल बना रहा है, गेट जो होना चाहिए, क्या इसकी परमिशन है स्कूल की? तो सब केस वेस हो रहा है, इन लोगों को बात कर लो, हम तो हम उस तरह कह रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई डंपर ना हो, स्कूल बने, खूब बने, पर इधर से उसका एंट्री हो, उससे पहले हम इधर से कोई नहीं निकलने देंगे। और जब तक ये नहीं होगा, क्या इसकी शिकायत आपने किसी आला अधिकारी से करी? इन्होंने करी है, सब आ रहे हैं, मैं तो लेडीज हूँ, बुजुर्ग हूँ। सीएल गुप्ता क्या कह रहे हैं? सीनियर सिटीजन को आप कितना सताओगे, कितना सताओगे ये बताओ? हाल कोई हादसा हो जाए, थायराइड है हमें, ब्लड प्रेशर की 3 टैबलेट है, हमारा मेडिकल रिपोर्ट देख ले, बोला आके उसकी लेडीज जो है।